हूं आपके साथ नम्रता। देश में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिसे देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में रोजाना 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। तमाम तरह की पाबंदियों को लागू करने के बाद सोमवार को नए मामलों की संख्या में कुछ गिरावट देखी गई है। वहीं उद्धव सरकार ने राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। हालांकि इस बार सरकार का कहना है कि लॉकडाउन लागू करने से पहले लोगों को पूरा समय दिया जाएगा, ताकि वो जहां जाना चाहते हैं आराम से जा सके। देखिए, लगभग सभी दलों के साथ चर्चा हो चुकी है। टास्क फोर्स ने भी अपनी बातें रख दी है कि लॉकडाउन के सिवा आपको ये रास्ता दिखता नहीं है। तो लॉकडाउन करें तो लोगों के ऊपर अचानक जैसे पहले आके कर दिया वैसा करने से कोई मतलब नहीं है। पूरे देश में अफरा तफरी हो गई थी, लाखों लोग बेहाल हो गए थे, कई लोगों को जो है पैदल चल के अपने गांव तक जाना पड़ा, कई लोग जो है रास्ते में भूख से मर गए, कई लोगों का ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया। ये नौबत जो है पिछली बार केंद्र सरकार की भूल से बाकी के राज्यों ने सहा, इस तरह नहीं होना चाहिए। इसलिए राज्य सरकार एकदम फुल प्रूफ जो है वो प्लान बना रही है कि उन्हें क्या चालू रखना है, कितने दिन चालू रखना है, कितने समय तक चालू रखना है, कौन से बिजनेस में छूट देना है, एसेंशियल सर्विस को किस तरह से चलानी है, कौन सी सर्विस जो है 24 घंटे हमें शुरू करनी है। ये सारी चीज़ों को सही तरीके से प्लान करके लोगों को समय देके, ताकि कोई लोग अगर यहाँ पे आए हुए हैं या कोई लोग कहीं जाना चाहते हैं तो अपना वो सही तरीके से प्लान कर सके और वो उसको जो हमारा जो आने वाले जो प्रतिबंध या लॉकडाउन होने वाला है उसके लिए वो तैयार मानसिकता से आगे जा सके। उद्धव सरकार में मंत्री असलम शेख ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार से भी मदद मांगी है। असलम शेख ने कहा, केंद्र अपने राजस्व का लगभग 50% मुंबई से कमाता है, हमारे प्रवासी कामगारों और छोटे स्तर के बिजनेसमैन की मदद करने के लिए हमें केंद्र के समर्थन की आवश्यकता है। देखिए, ये छोटे व्यापारी हो गए या ये जो माइग्रेंट वर्कर हो गए, ये मुंबई शहर जो है वो लाखों लोगों को जो है रोजी रोजगार देता है और यहीं से लाखों लोग जो कमाते हैं अपना पेट भरते हैं और दूर गांव में जाके अपने घर वालों का भी पेट भरते हैं। मुंबई शहर से केंद्र सरकार को रेवेन्यू जो है 50% के करीब जाता है। हमारी केंद्र सरकार से ये मांग रहेगी कि मुंबई शहर से उनको जो है 50% जितना जो है रेवेन्यू करीबन जो मिलता है जिससे पूरा देश चलता है। आज मुंबई शहर को जो है ज़रूरत है, आज मुंबई शहर को स्टेबल करने के लिए, यहाँ के व्यापारियों को मजबूत करने के लिए, यहाँ के गरीब माइग्रेंट वर्कर से लेकर वर्कर को ठीक ठाक करने के लिए एक अच्छा सा पैकेज वो जाहिर करे, ताकि उसके साथ हम हमारे राज्य की तरफ से कुछ पैसे मिला के उनको एक अच्छा सा पैकेज दे सके। लेकिन भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोगों ने पहले ही 20 लाख करोड़ का पैकेज जाहिर कर चुके हैं। नहीं, ऐसे तो चुनाव के टाइम पे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कहीं पे भी जाके बहुत सारा पैकेज देते हैं। आपने देखा होगा कि बिहार का चुनाव था तो उन्होंने किस तरीके से 20 से 40 80 100 ऐसे पहुंच गए थे। आज की तारीख में जैसे हमने किसानों को पैकेजेस दिया, जो बातें की उनको देने का काम किया, अब कोरोना के काल में कोरोना की वजह से जो हाल हुआ है पूरे देश के अंदर और ख़ास करके मुंबई के अंदर, तो उसको सामने रखते हुए कोरोना के तहत जो है वो पैकेज दें ताकि वो हम लोगों तक पहुँचा सकें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जब लॉकडाउन लगाया जाता है तो लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने आरोप लगाया कि राज्य की महाविकास अघाड़ी की सरकार कमजोर तबकों को आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए गंभीर नहीं है।